This call is now being recorded. Hello students, welcome to Avanti Fellow. My name is Raj Jaiswal and today we will discuss chemistry question of your FST test whose code is ORFT1823. बच्चों सिलेबस की बात करें तो ये जो आपका टेस्ट था इसमें क्लास 11th का फुल सिलेबस आया हुआ था, ये आपका FST टेस्ट था, ठीक है, एंड फॉर नीट। तो चलो बच्चों क्लास पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये आपका FST टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था इन केमिस्ट्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस्ड पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं बच्चों। हमने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर ऑप्शन वन देखे तो ऑप्शन वन कह रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा वी जीरो। अब बताओ इस इक्वेशन में डेल्टा वी जीरो होगा, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। इस इक्वेशन में आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए, डेल्टा यू क्यू के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये माइनस क्यू दे रखा है इसलिए ये रॉन्ग, प्लस क्यू होना चाहिए था। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका क्यू जीरो होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, एडियाबेटिक में जीरो होगा। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस प्लस डब्ल्यू होना चाहिए। देखो ना इस इक्वेशन में क्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होना चाहिए था डब्ल्यू, लेकिन क्या दे रखा है, माइनस डब्ल्यू, इसलिए ये भी रॉन्ग। ऑप्शन सी पे आए तो क्या कह रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल केस में डेल्टा टी जीरो होता है। अगर डेल्टा टी का वैल्यू जीरो है इट मींस तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट मींस डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। अब बताओ जब डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, बट ये प्लस डब्ल्यू दे रखा है इसलिए ये भी रॉन्ग। साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो यानी कि साइक्लिक प्रोसेस जो जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड हो रहा है, इट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो Q इज इक्वल टू का माइनस डब्ल्यू, और यही दे रखा है इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है फ्रॉम द गिवन रिएक्शन प्रिडिक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। ये आपसे कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 को प्रिडिक्ट करो। अब देखते हैं SO2 कहां आपके दिख रहा है, इस इक्वेशन में SO2 है, सेकेंड इक्वेशन में, बट ये लेफ्ट साइड में है। अगर SO2 आपको फॉर्म कराना है तो आपको क्या करना होगा, इसको अगर इक्वेशन वन माने, इसको इक्वेशन टू माने, तो हमें इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस करना होगा। वन में से टू को माइनस करोगे, देखो SO3 से SO3 आपका कट जाएगा, ये आपको क्या बचेगा, इधर माइनस SO2 है उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि S प्लस O2 कितना बच जाएगा, S प्लस ये 3 बाई टू में से 1 बाई टू O2 माइनस हो जाएगा, इट मींस कितना बचा, 2 बाई टू, यानी S प्लस O2 बचा और ये उस साइड जाएगा क्या बचेगा, SO2। तो ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हो, यानी कि हीट का क्या होगा, हीट का भी माइनस होगा। इसका हीट क्या है, 2x है, इसका हीट y है, इट मींस आंसर क्या होना चाहिए, 2x हीट भी माइनस हो जाएगा, 2x माइनस y, तो 2x माइनस y क्या होगा, ऑप्शन c होगा। 52 का क्या हुआ, 52 का c हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 कह रहा है गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन दे रखा है हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ोगे तो कितना हीट का चेंज हो रहा है, देखो वाटर को तोड़ोगे तो क्या होगा, H2O है, ये कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस, इसी में टूटेगा वाटर, ठीक है।
तो यहां पे देख रहे हैं, हमने हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है जिसमें वाटर 2 मोल है, वाटर 2 मोल है और वाटर प्रोडक्ट साइड में बना है, लेकिन हमें रिएक्टेंट साइड में चाहिए और इसका डेल्टा एच दे रखा है। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, पहले रिवर्स करेंगे एंड देन इसको हाफ करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो रिवर्स करोगे यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा, ये -5571 है, रिवर्स करोगे तो +571, और चूंकि 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि एक ही मोल चाहिए वाटर, आपके पास क्वेश्चन में 2 मोल दे रखा था, 2 से डिवाइड करोगे तो 571 को 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, ऑब्वियस बात है प्लस में होगा, और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या आंसर आएगा, 285 होगा। प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्शन को आपको ठीक रिवर्स कर दे रहे हो, जब रिएक्शन को ठीक उल्टा करोगे तो डेल्टा एच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डेल्टा एच का साइन चेंज होता है, और किसी चीज से डिवाइड करोगे तो वो डेल्टा एच में आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो चलो 53 का क्या हो गया, डी हो गया। अब आते हैं 54 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारा मैग्नेटिक, कौन इसमें पारा मैग्नेटिक है एंड हैज बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा ये बॉन्ड ऑर्डर कह रहा है हाफ होना चाहिए और पैरा मैग्नेटिक होना चाहिए, पैरा मैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है यार नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है, ठीक है 14 होती है, इवन नंबर है, और ये क्या होता है, ये डाया मैग्नेटिक होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। हाइड्रोजन H2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक डब्बा में होगा 1s2, और ये पेयर होगा, ठीक है 1s2 पेयर होगा, यानी कि ये भी तुम्हारा डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। चलो ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, लेकिन हमें बॉन्ड ऑर्डर भी क्या चाहिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 13 है, इसमें कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ NB, NB में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 माइनस NA, NA में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, फॉर्मूला होता है ना बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ NB माइनस NA, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NB क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NA क्या है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो हाफ ही आया, और हाफ ही पूछ रहा था, और इलेक्ट्रॉन देखो 1 है, वन, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड नंबर होता है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक, तो ये पहले से ही था, बॉन्ड ऑर्डर भी हाफ आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। N2+ का देखोगे तो पैरामैग्नेटिक तो होगा, लेकिन ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ नहीं आएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका 2.5 आएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में। 55 क्या कह रहा है, व्हेन अमोनिया एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इन एक्वा सॉल्यूशन, जब अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, आओ देखते हैं, ये अमोनिया है, और यदि ये प्रोटॉन ले ले तो क्या बनेगा, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, चार हाइड्रोजन आ गया। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अमोनिया का तो पहले क्या था, sp3 था, बाद में भी क्या था, sp3 था, हाइब्रिडाइजेशन पहले sp3 क्यों था, क्योंकि एक लोन पेयर भी था ना, तो लोन पेयर की वजह से sp3 था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लोन पेयर नहीं है तब sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन लगेगा, अब इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लोन पेयर है नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, और कितना होगा, जितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल कितना होगा, टेट्राहेड्रल शेप है ना, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री, और इसका कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 107 डिग्री, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 107 डिग्री, इसका है 109.5 डिग्री, ठीक है। तो 55 का आंसर क्या होगा, 55 का आंसर होगा, देखो HNH बॉन्ड एंगल चेंजेज फ्रॉम 107 to 109.5 डिग्री, HNH का बॉन्ड एंगल जो होगा चेंज होगा 107 डिग्री से 109 डिग्री, हाँ देखो ये पहले 107 डिग्री था, यही हो गई, तो ये सही बात है। ये कह रहा है परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ NH3 एंड द प्रोडक्ट रिमेन सेम, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर होना चाहिए, तो आज सेम ही होता है यार, कैसे, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 था, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 था, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, तो हाइब्रिडेशन सेम है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी सेम ही होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये भी सही है,
ये भी सही है, कौन सा आंसर हुआ, सी हुआ, 55 का हो गया आपका सी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 56। 56 कह रहा है एच एन एच बॉन्ड एंगल इन, अच्छा ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है इन तीनों में, चलो सबका बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है तो बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो सबसे पहले एन एच फोर प्लस का ही बनाते हैं, प्लस वाला का बना लेते हैं। हाइड्रोजन चार बॉन्ड बना चुका है इसलिए प्लस आ गया, तो एन एच फोर प्लस हो गया ये। फिर बनाते हैं अमोनिया का न्यूट्रल वाला को बना लेते हैं, एक लोन पेयर है, और उसके अंदर बनेगा एन एच टू। एन एच टू में क्या होगा, एन एच टू में दो माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे दो लोन पेयर होगा, एन एच टू माइनस है ना, एन एच टू माइनस है, इट मीन्स यहाँ पे दो लोन पेयर है। ठीक है चलो एक लोन पेयर पहले से था, अब यहाँ पे देखो कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर लोन पेयर है नहीं तो इसका क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम लगेगा, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा, देन यहाँ पे कितने लोन पेयर, यहाँ पे तो एक लोन पेयर है जो कि आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने लोन पेयर, एक तो लोन पेयर नाइट्रोजन का पहले से ही था और एक हाइड्रोजन एच प्लस बाहर निकला है, एच प्लस बाहर निकला है यानी कि माइनस आ गया, यानी कि लोन पेयर एक तो लोन पेयर था और एक माइनस वाला था, यानी कि दो हो गए, यहाँ पे कितने हो गए दो लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्सन का होता है तो बॉन्ड एंगल घटता है, यहाँ पे ये रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल घट जाएगा, आपस में एक दूसरे को क्या करें रिपेल करें, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम किसमें होगा जिसमें दो लोन पेयर है, फिर किसमें होगा जिसमें एक लोन पेयर है, और सबसे ज्यादा किसमें बॉन्ड एंगल होगा जिसमें लोन पेयर नहीं है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाला देन न्यूट्रल देन माइनस, 56 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है चलो उसके बाद 57 कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, ये पोलैरिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो अगर हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ब्रोमीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 4, कार्बन का होता है 2.5, ठीक है, एंड ब्रोमीन का होता है कितना, देखो फ्लोरीन का होता है 4, क्लोरीन के नीचे क्या होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाता है। ठीक है आयोडीन का होता है 2.5, ठीक है क्लोरीन का होता है 3, ब्रोमीन का होता है 2.8, तो ब्रोमीन का कितना हो गया 2.8, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है फ्लोरीन का, पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, ठीक है पोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें होगा फ्लोरीन वाले का, तो फ्लोरीन कहाँ है यहाँ भी है यहाँ भी है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग, फिर किसका होगा ब्रोमीन वाला का, देखो ये ब्रोमीन रहा एंड सबसे कम कार्बन वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 57 का डी हो जाएगा, 57 का डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58। 58 क्या कह रहा है, कह रहा है कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड बिकॉज, ये पूछ रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम है आयनिक कंपाउंड की वजह से, ऐसा क्यों, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर, नहीं यार कोवेलेंट बॉन्ड हैव डेफिनेट शेप, नहीं इससे क्या मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, करेक्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो 58 का क्या होगा सी होगा। ठीक है अब आते हैं 59 पे, ये क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए नेट डाइपोल मोमेंट, किसके पास नेट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है हैज ए नेट डाइपोल मोमेंट, देखो CO2 का तो जीरो होता है, BF3 में लोन पेयर तो है नहीं, ठीक है इसमें भी लोन पेयर नहीं है CCl4 में, लेकिन अमोनिया में लोन पेयर, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा अमोनिया में तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है कार्बन नाइट्रोजन का होता है 3, हाइड्रोजन का 2.1, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जाता है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा इसका हो जाएगा।
आंसर क्या होगा? एनएसी। बाकी सब में कोई लोन पेयर है ही नहीं, जितने मतलब उसको कैपेसिटी था उसका उतना बॉन्ड बना चुका है, इसलिए उस सबका डाइपोल मोमेंट जीरो था, केवल अमोनिया का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन C6H6। ये बेंजीन की बात कर रहे हैं। कह रहा है C6H6 में हाइब्रिडेशन होता है, क्या पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? SP2। क्या होगा? SP2। तो 60 का क्या हो जाएगा? ठीक है चलो। अब कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास X kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी। कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास कितना है? X kg है, और वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, जिसको वेलोसिटी कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इतना, इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है, हिंस एक्स इज, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर। इस डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा का वैल्यू ये रहा, कितना दे रखा है? 6.62। एच का वैल्यू, एच तो प्लैंक कॉन्स्टेंट है, हमें पता ही है। एच का वैल्यू क्या होता है? 6.62 × 10 की पावर -34। मास क्वेश्चन में दे रखा है क्या? एक्स के जी दे रखा है, एक्स रख लेते हैं। और वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है क्या? मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना? देखो ये कट जाएगा 34, 35, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1। ये भी कट गया, तो क्या बचेगा आपका? आपका बचेगा ये, कितना बचेगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आएगा 10/100, एट मीन्स 0.1 kg। कितना आ गया? 0.1 kg आता है। ठीक है, अरे ये उल्टा लिखा गया है, 10 की पावर -1 इधर होना चाहिए ना। ठीक है, तो कितना होगा? 0.1। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन है वुड बी हायर। ये कह रहा है प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा। तो देखो रिएक्शन क्या है, ए टू है गैस है, प्लस 2B गैस, फिर क्या है? ये क्यू तो हीट के बारे में बता रहा है, तो क्यू को हटाओ, इसको हम साइड में लिख देते हैं। कह रहा है ये प्रोडक्ट कब बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा। देखो प्लस क्यू है, इट मीन्स ये क्या है? प्लस क्यू का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट इसको चाहिए। ठीक है, इसको हीट चाहिए, प्लस क्यू का मतलब है हीट चाहिए। तो एल्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन वुड बी हायर। कह रहा है प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा। ठीक है, ये प्लस क्यू है ना, एक सेकंड ध्यान देना, ये प्लस क्यू है मतलब हीट प्रोडक्ट साइड में निकल रहा है। प्लस क्यू का मतलब है हीट प्रोडक्ट साइड में, मतलब आपको रिलीज हो रहा है, इट मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सोथर्मिक, हीट बन रहा है ना, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट साइड में हीट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन करा रहे हैं और हीट निकलना का मतलब क्या है, वो बर्तन आपको गर्म फील होगा, आपको बीकर गर्म फील होगा। ठीक है, तो हीट आपका बन रहा है, हीट बन रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आपको टेम्परेचर कम देना चाहिए, टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर कम वाला होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर दे रखा है यानी कि रॉन्ग। ठीक है, ये भी हाई टेम्परेचर दे रखा है, रॉन्ग। दो ऑप्शन में लो टेम्परेचर, चलो सी और एन डी में से कुछ होगा। एंड ये बात कर रहा है प्रेशर का,
तो देखो, एक आपको पता होगा ली चैटेलिया प्रिंसिपल, आपने पढ़ा था क्या? ली चैटेलिया प्रिंसिपल में हमने पढ़ा होगा क्या कि जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना, एक ट्रिक होता है क्या, VILH, एडवाइस क्या हुआ, याद रखना ये वॉल्यूम इन, V फॉर वॉल्यूम, I फॉर इंक्रीज, L फॉर लोअर, H फॉर हायर। जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लोअर से हायर की तरफ जाएगा। अब ये लोअर हायर क्या है, इधर समझो, इधर कितने मोल थे, 1 मोल, इसमें कितने मोल है, 2 मोल, टोटल कितने मोल है रिएक्टेंट में, 3 मोल, प्रोडक्ट में कितने मोल है, 1 मोल, यानी कि इसे बोलेंगे हम कम है ना, 3 1 में कौन कम है, कम 1 कम है, तो इसे बोलेंगे लोअर और इसे बोलेंगे हाइयर। और आपको बोल रहा है प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा, यानी कि हायर टू लोअर भेजना है आपको, रिएक्शन हायर टू लोअर भेजना है, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, एक ली चैटेली प्रिंसिपल में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो लोअर से हायर की तरफ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो लोअर से हायर, लेकिन आपको चाहिए क्या, हायर से लोअर, तो इस हिसाब से वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो हायर से, अगर इंक्रीज करने पे लोअर से हायर जा रहा है तो डिक्रीज करने पे हायर से लोअर पे जाएगा। और एक और चीज आपने पढ़ा होगा, पीवी बराबर एनआरटी, इट मींस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो हायर टू लोअर जा रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हायर टू लोअर जाएगा, यदि वॉल्यूम डिक्रीज पे हायर टू लोअर जा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हायर टू लोअर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा होने के लिए प्रेशर क्या रखना है हमें, हाई, प्रेशर क्या रखना है, हाई रखना है, ठीक है। तो 62 क्या होगा, सी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कैसे ये सॉल्व हुआ, ली चैटेलिया प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेड एंड टिन, लेड एंड टिन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखो लेड जो होता है और टिन जो होता है, लेड मतलब पीवी, टिन मतलब एसएन, तो एसएन तो ये देखो कार्बन फैमिली का है ना, कार्बन फैमिली का ये सारे हैं, कार्तिक, शिव, गणेश, शंख, पार्वती, ऐसे करके ट्रिक आपने याद किया होगा। तो ये रहा टीन, ये रहा लेड, ठीक है। तो टीन कार्बन के फैमिली का है, कार्बन कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4, टीन कैसा शो करेगा, +4, उसी कैटेगरी का है, लेकिन ये लेड जो है ना वो बहुत, ये टीन से भी नीचे है, नीचे हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जिसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2, टीन का क्या हुआ, +4, तो यही पूछ रहा था लेड एंड टीन का कितना होगा रेस्पेक्टिवली, तो 63 क्या होगा, +2 एंड +4, क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब आते हैं 64 पे, क्या कह रहा है, ए सॉलिड एलिमेंट जिसका सिंबल वाई है, एक एलिमेंट है जिसका सिंबल वाई है, ठीक है, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म्स टू क्लोराइड, ये एक क्लोराइड बना, ठीक है, जो कि कलरलेस वोलेटाइल सॉलिड है, लिक्विड है, एक क्लोराइड बना जो कि कलरलेस है, वोलेटाइल है एंड लिक्विड है। फिर कह रहा है अगर ये वाई सी एल एन माइनस टू बना रहा है तो ये कलरलेस सॉलिड बन रहा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाई बिलोंग, तो ये वाई के बारे में पूछ रहा है, वाई क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे वाई जो होगा ना, एक्चुअली यहाँ पे +2 वाला भी कंपाउंड बना रहा है, यहाँ पे जो वाई है वो +4 वाला भी बना रहा है, YX4, और ये वाई +2 वाला भी बना रहा है। फिर कह रहा है ये अगर +4 में बना रहा है क्लोरीन के साथ तो एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड बनता है, लेकिन वही +2 में बना रहा है, ठीक है, तो कलरलेस सॉलिड बना रहा है, तो ये वाई क्या है, क्या आपने वाई क्या है, तो ये वाई एसएन है, यानी कि एक कंपाउंड SnCl4 है, SnCl4 है जो कि क्या है, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, और एक कंपाउंड कलरलेस सॉलिड वाला क्या है, कलरलेस सॉलिड वाला क्या है, SnCl2, एक SnCl4 है, एक SnCl2 है, यानी कि वाई क्या है, वाई आपका टीन है, और टीन किस ग्रुप का है,
ये ग्रुप ही पूछ रहा है ना, तो टीन आपका किस ग्रुप का है, टीन आपका 14th ग्रुप का है, तो आंसर क्या होगा 14, ठीक है, तो 16 64 का हो गया 14 आंसर। चलो फिर एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, आओ देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है। एसएसएन कर रहा है एस आई एफ सिक्स टू माइनस इज नोन बट एस आई सी एल सिक्स टू माइनस इज नॉट, ठीक है, ये कह रहा है आज सिलिकॉन फ्लोरिन के साथ छह बॉन्ड बनाता है लेकिन क्लोरिन के साथ नहीं। रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है साइज ऑफ फ्लोरिन इज स्मॉल, हाँ भाई इसलिए नहीं बनाते क्योंकि साइज तो छोटा है क्लोरिन का, एंड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद डी ऑर्बिटल ऑफ एस आई, क्या है साइज छोटा है जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जो है इंट्रैक्ट करेगा डी ऑर्बिटल ऑफ एस आई से, हाँ सही बात है, और इसका देखो तो फिर तो एसर्शन भी सही हुआ रीजन भी सही हुआ और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 65 का क्या होगा, ये होगा क्यों एस आई एफ सिक्स क्यों बन रहा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन के साथ छह बॉन्ड क्यों नहीं बना क्योंकि बड़ा साइज है, ठीक है। चलो अब आते हैं 66 क्वेश्चन पे, ये क्या है जर्मेनियम जीई, कह रहा है जीई का देखो ये प्लस टू कंपाउंड बनाएगा, जी तुम्हारा प्लस टू बनाएगा, देखो ये अगर जीई की बात करो ठीक है, तो ये तुम्हारा प्लस फोर में रहना चाहता है, प्लस फोर में ये आपका रहना चाहता है यानी कि मोर स्टेबल है, किस फॉर्म में, प्लस फोर में, लेकिन वही लेड की बात करोगे अभी हमने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, लेड टू प्लस में रहना चाहता है, लेड आपका टू प्लस में रहना चाहता है, अब बता जी फोर प्लस में रहना चाहता है लेकिन यहाँ पे टू प्लस टू में है तो ये फोर प्लस में होना चाहेगा, फोर प्लस में जाना चाहेगा, इसलिए क्या हो गया ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये कैसा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्लस टू वाला, एंड पीवी देखो पीवी तो तुम्हारा फोर में दे रखा है लेकिन ये टू प्लस में होना चाहिए यानी कि ये अपना ऑक्सीडेशन एजेंट घटा रहा है यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीवी तुम्हारा फोर प्लस क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कह रहा है जी टू प्लस कंपाउंड आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ भाई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वेयर एज पीवी टू प्लस कंपाउंड आर स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडेंट, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऐसा क्यों है तो अभी हमें दिखाना ऐसा क्यों कर रहा है पीबी, ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट कर रहा था, तो यही लिखा हुआ है मोर प्रोनाउंस इनर्ट पेयर इफेक्ट इन लेड देन इन जी, इसमें तुम्हारा ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा है, मोर प्रोनाउंस इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें हो रहा है लेड में देन इन जी, हाँ लेड में ही होता है ना तभी तो ये टू प्लस बना रहा है, नीचे है ना क्या होता है ये ऐसे होता है ना, कार्तिक शिव गणेश शंख पार्वती तो ये नीचे है ना, ठीक है चल कह रहा है कौन सा हैलाइड जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, देखो हाइड्रोलाइज होने के लिए आपको कुछ खाली जगह होनी चाहिए तभी जाके पानी इंटरेक्ट करेगा, अब देखो यहाँ पे एस आई सिलिकन तो चार बॉन्ड बनाता है ठीक है, और यहाँ पे देखो सिलिकन चार बॉन्ड बनाया है लेकिन यहाँ पे एक वैकेंट डी खाली होगा, यहाँ भी वैकेंट डी खाली हुआ ठीक है, एक्चुअली क्या है सबसे पहले तुम्हारा कार्तिक शिव गणेश, ये तुम्हारा कौन सा है यहाँ पे टू पी वाला आता है, यहाँ पे थ्री एस थ्री पी थ्री डी आ जाता है, यहाँ पे फोर एस फोर पी फोर डी फोर डी यही होता है, अब बताओ एस आई के पास क्या है खाली थ्री डी है, तो थ्री डी वैकेंट है तो वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा, एस आई वाला हो जाएगा भाई, पीवी वाला ये तो इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है तो ये तो और अच्छे से हो जाएगा ठीक है, तो पीबी सी एल फोर, लेकिन देखो ये इसमें कोई वैकेंट डी नहीं है, कारण देख रहे हो केवल टू पी लिखा गया है कोई भी डी नहीं है, तो इसलिए ये हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, क्यों 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 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे खाली डी ऑर्बिटल है ही नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं है तो
हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, तो 67 क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक प्रॉपर्टी। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा इन सब में क्या है, यहाँ पे तो तुम्हारा हाइब्रिडेशन sp3 है, sp2 है, ये sp है। sp का मतलब क्या होगा, s और p दोनों 50-50% है, ठीक है। यहाँ पे sp2 का मतलब क्या होगा, s तुम्हारा एक है तो p दो है, यानी कि 33.3%। और sp3 का मतलब होता है s एक है तो p तीन है, यानी कि s कितना है, 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर क्या होगा, 68 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो आओ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पे। 69 क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है O2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, तो O2 माइनस किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो देखो O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8, 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, कार्बन में नहीं, कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्लोरीन का 9 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, 6, 9, 7, नियॉन, नियॉन का कितना होता है 10, यानी कि 10 ही पूछा था, तो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, नियॉन के साथ, ठीक है। चलो फिर कह रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, एक 1 है, एक 2, 1 2 मतलब सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या कितने हो गए, 2 हो गए। इसको नहीं काउंट करेंगे, 10^13 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो कितने फिगर हुए सिग्निफिकेंट फिगर, 2 हुए। तो आंसर 70 का क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज, किसने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था, तो किसने दिया था, 71 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डाल्टन ने, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने प्रपोज किया था, डाल्टन ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फॉर ए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है, प्रेशर क्या है, प्रेशर भी कॉन्स्टेंट, मतलब दोनों कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, ये मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है। देखो मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि सीपी, सीपी क्या होगा, डेल एस बाई डेल टी। अब ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट हीट, कॉन्स्टेंट हीट मतलब क्या होगा, डेल्टा टी का वैल्यू 0, दैट मीन्स सीपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो 72 का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, 72 क्या हो गया, इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 73 पे। 73 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, 0 कह रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसका, 0 है, तो किसका 0 होगा, जो अपने विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, जो अपने क्या हो, स्टैंडर्ड स्टेट में। तो देखो रोम्बिक सल्फर ये तो सही स्टैंडर्ड स्टेट में ही है, ठीक है। डायमंड नहीं, कार्बन किस फॉर्म में रहता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, स्टैंडर्ड कार्बन का कौन सा फॉर्म स्टेबल माना गया है, ग्रेफाइट। फॉस्फोरस कौन सा, नहीं रेड नहीं, फॉस्फोरस चाहिए व्हाइट, व्हाइट फॉस्फोरस स्टैंडर्ड फॉर्म मनाता है, और ओजोन, ओजोन नहीं O2 गैस होता है, रोम्बिक सल्फर नहीं होता है, नहीं रोम्बिक सल्फर ही होता है, सल्फर के केस में रोम्बिक सल्फर ही होता है। और ये कह रहा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 किसका होगा, तो रोम्बिक सल्फर का, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन का ग्रेफाइट होता है, ये डायमंड देखा है, रॉन्ग। फॉस्फोरस क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, ये रेड देखा है, इसलिए रॉन्ग। ओजोन गैस, O2 गैस होता है, ओजोन नहीं, ऑक्सीजन किस फॉर्म में स्टैंडर्ड मनाया जाता है, गैस के फॉर्म, ओजोन। तो 73 क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं 74 पे, कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैन बी डिटरमाइन, आपको क्या बनाना है,
हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, आपको बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। और ये कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आओ हम बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन कैसे बनेगा, कार्बन सॉलिड और ये बनेगा बेंजीन बनाना है, यानी कि हाइड्रोजन सिक्स चाहिए। थ्री एच टू गैस कन्वर्ट हो गया सी सिक्स एच सिक्स, सिक्स कार्बन चाहिए यानी कि बैलेंस करने के लिए सिक्स कर दूं। कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन। देखो कार्बन का तो दे रखा है क्वेश्चन में, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन का भी दे रखा है, किसका नहीं दे रखा है, सी सिक्स एच सिक्स का, यानी किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, बेंजीन का सी सिक्स एच सिक्स का। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी सिक्स एच सिक्स। तो 74 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एक बार आप पढ़ो, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसमें टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आपका टेम्परेचर किसमें इंक्रीज कर रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। देखो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या हो गया, आप बाहर से किसी चीज को कॉम्प्रेस कर रहे हो, ठीक है, क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो आइसोथर्मल वाला तो होगा नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करना है ना, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट थोड़ी रखना है, तो ये होगा नहीं। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो ये दोनों नहीं होगा। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन देख लेते हैं। देखो कॉम्प्रेशन जब भी होगा, ठीक है, तो आपका कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होगा, बाहर से आप कुछ वर्क कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप वर्क बाहर से सिस्टम पे कर रहे हो, क्योंकि सिस्टम पे वर्क किए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा इट मीन्स इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो सिस्टम पे वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 75 का क्या होगा आंसर, सी होगा, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है। एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। चलो ये एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है, कंसीडर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई एल्कीन। ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, ये कह रहा है एल्कीन बताओ कौन सा एल्कीन होगा। तो देखो कंसेंट्रेटेड H2SO4 और डेल्टा लोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये OH बाहर चला जाएगा, OH2+ बनेगा एंड ये बाहर चला जाएगा, आपका क्या बनेगा, जो बनेगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जब तुम्हारा H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 ये बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं है, अगर रीअरेंजमेंट कर ले यानी कि ये 1,2-मिथाइल शिफ्ट हो जाए, 1,2-मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, देखो प्लस आ गया। देखो पहले अल्फा हाइड्रोजन कितना था, पहले तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो था, अब अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 3,3,6 और ये हो गया 2,8, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, तो कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल। अब क्या होगा, अब एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, अब क्या बनेगा एल्कीन, तो कौन सा होगा आंसर यहाँ पे, देखो 76 का हो जाएगा आपका, 76 का कितना हो जाएगा, कौन सा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो एल्किन बनाना है ना, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल था माइनस, ये इस यहाँ पे अटैक होगा और ये बॉन्ड निकल के यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, तो बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड है, देखो CH3 CC के बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये जो जिसपे डबल बॉन्ड है उस पर दो कार्बन,
देखो वैसे ही है ना, CH3 डबल, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, और फिर ये जिस पे डबल बॉन्ड है उसके दो कार्बन, ये दो कार्बन। तो 76 क्या होगा, 76 का डी होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बन रहा है। अब आते हैं 77 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आप देख रहे हो सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन वगैरह दे रखा है। देखो हाइड्रेशन क्या क्या होता है, हमें पता है क्या कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। यदि साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है घटेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाइड्रेशन एनर्जी यही होना चाहिए था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, लेकिन ये देखो ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का क्या होता है साइज बहुत छोटा, जिसकी वजह से क्या होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा फ्लोरीन में, बहुत साइज छोटा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रेशन उतने अच्छे से होगा नहीं, यहाँ का हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा कम होगा, किससे कम होगा, ये ब्रोमीन से भी कम होगा, यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि जो रियल ऑर्डर होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी का, क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्लोरीन का, देन Br2 का, देन F2 का, देन I2 का। तो 77 है क्या हो गया, 77 का हो जाएगा बच्चों C। अरे 77 है ना, देखो ये रॉन्ग पूछ रहा था ना, इनकरेक्ट पूछ रहा था, ये इनकरेक्ट पूछ रहा था। तो देख रहे हो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, Cl2 का, लेकिन ये सबसे ज्यादा किसका दे रखा है, तो ये मैग्नीशियम वाला है ना, तो सेम हाँ वही देखो 78 का 77 है ना, देखो इधर आ, अरे यार ये मैग्नीशियम वाला दे रखा है ना, ये गलत एग्जांपल ले ली, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा कौन सा है बेरिलियम वाला है ना एग्जांपल, तो देखो बेरिलियम होना चाहिए, बेरिलियम 2+, देन मैग्नीशियम 2+, देन कैल्शियम 2+, ठीक है, एंड फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा Sr2+ एंड देन बेरियम 2+। तो 77 में क्या हो गया, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा, देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी, साइज बचेगा बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसका है, बैरियम का, सबसे ज्यादा साइज किसका है, सबसे ज्यादा साइज बैरियम का है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। ऐसे आपने याद क्या होगा ना, बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर, फिर नीचे आता है बाप एंड देन राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो देखो यही होता है। तो सबसे सबसे बड़ा साइज किसका है, बैरियम का है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा इसका सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। एंड सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम, बेरिलियम सबसे छोटा है, इसलिए इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा ज्यादा। तो यही ऑर्डर होता है, यही आपका ऑर्डर होता है, क्या ये ऑर्डर दे रखा है क्या, देखो नहीं, ये दे रखा है मैग्नीशियम का सबसे कम, मैग्नीशियम का सबसे कम दे रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए था, मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये इनकरेक्ट ही पूछा था क्वेश्चन में, इनकरेक्ट ही पूछा था। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कर रहा है, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के हुए, इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, हाँ भाई ये सही है। ठीक है, ये पता है ना, ये हम कैसे लिखते हैं, एलिना के रब से फरियाद, ठीक है, तो हाँ ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा सही है, साइज बढ़ रहा है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन देखो ये सल्फेट के केस में, ये तुम्हारा
जो सॉल्युबिलिटीज की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या था, केवल हाइड्रोक्साइड था, लेकिन ये सल्फेट थोड़ा साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, तो इस केस में क्या होता है, बेरिलियम का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, देन मैग्नीशियम देन कैल्शियम वाला, तो ये भी आपका सही है। एंड ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, देखो वही हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर, कैल्शियम एसआर बैरियम, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये तुम्हारा साइज बड़ा है ना, तुम्हारा साइज बड़ा है किसका, बैरियम का, और ये बैरियम से जुड़ा हुआ है बड़ा सा कंपाउंड, तो बड़े साइज से बड़ा कंपाउंड जुड़ा होगा तो सही बात है, ये मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही है, ठीक है। अगर छोटे में अगर बड़ा कंपाउंड जुड़ा रहेगा तो नहीं, ये उतना स्टेबल नहीं होगा, तो ये तुम्हारा सही ऑर्डर था, बट इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ओनली बी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 78 पे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, कौन सा प्रॉपर्टी इंडिकेटेड करेक्ट है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी की बात करें तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी जो होता है इन जनरल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी तुम्हारा इन जनरल क्या होता है, नीचे से नीचे जाओगे तो डिक्रीज करेगा, जब नीचे जाओगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज ही करा रहा है, लेकिन एक्सेप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये फ्लोरीन वाला ना एक्सेप्शन केस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये तो तुम्हारा करेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है ना, बहुत साइज छोटा होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन आते हैं ऑप्शन बी पे, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहा है, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन का कितना होता है 4, क्लोरीन का कितना होता है 3, आयोडीन का 2.5, ब्रोमीन का 2.8, तो ये तो सबसे ज्यादा मतलब फ्लोरीन का होता है, लेकिन फ्लोरीन का बीच में दे रखा है, इसलिए ये भी रॉन्ग, ये तो रॉन्ग था ही। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, क्या कह रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो जब नीचे जाओगे तो तुम्हारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी घटता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटता है, बट फ्लोरीन एक्सेप्शन शो करता है, फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, छोटे की वजह से क्या होता है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगता है, ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन का एक्सेप्शन वाला शो करता है, और ये क्या हो जाता है, ब्रोमीन से आगे चला जाता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका होगा, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन फ्लोरीन देन आयोडीन। जनरल ट्रेंड क्या कहता है, जनरल ट्रेंड कहता है कि होना चाहिए था ऐसे, क्लोरीन देन क्लोरीन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन साइज बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, देखो अगर साइज बढ़ जाएगा यानी कि दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो उसको तोड़ना आसान है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा फ्रेंडशिप है, ठीक है, और तुम्हारी फ्रेंडशिप में क्या हो गई थोड़ी दूरी, तो वो फ्रेंडशिप को तोड़ना बहुत ईजी है, लेकिन तुम ऐसा फ्रेंडशिप है, तुम बहुत क्लोज हो अपने फ्रेंड से, डेली बात करते हो, डेली मिलते हो, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, तो क्लोज रहेगा यानी कि साइज छोटा रहेगा तो उसको तोड़ना मुश्किल है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, लेकिन साइज बड़ा हो गया तो उसको तोड़ना आसान है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, लेकिन फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन, ठीक है, अब फ्लोरीन तो बहुत पास पास है, लेकिन क्या होता है इसमें इतने कुछ ज्यादा ही पास आ गया, कुछ इतना ज्यादा पास आ गया कि क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, फ्रेंडशिप में लड़ाई होने लग रही है, तो इसको भी तोड़ना आसान हो जाएगा, तो फ्लोरीन केस में वही होगा कि बहुत पास है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका कम हो जाएगा, इजिली टूट जाएगा, तो ये ऑर्डर क्या है, ये करेक्ट है, यही होना चाहिए था, ये नहीं है, यही होना चाहिए था और यही दे रखा है, इसलिए ये करेक्ट है और करेक्ट ही पूछ रहा था। तो 78 का क्या हो गया, सी। फिर कह रहा है रिड्यूसिंग पावर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाँ देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन का, तो क्या होगा ये क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर इसका नहीं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ना फ्लोरीन का, बट ये कह रहा है रिड्यूसिंग पावर, नहीं ये रॉन्ग है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वो खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। चलो अब आते हैं 79 क्वेश्चन पे, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, एचओएच की बात कर रहे हैं, एचओएच का ऑर्डर, चलो इधर देखो आपको पता होना चाहिए हीट ऑफ हाइड्रेशन एचओएच जो होता है ये
एचओएच की अगर हम बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी की। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एचओएच कम होगा, ठीक है। और एचओएच जो होता है हमें क्या पता है, ट्रांस एल्किन का कम होगा एज कंपेयर टू सिस एल्किन का, सिस एल्किन का ज्यादा होगा, ट्रांस एल्किन का एचओएच हीट ऑफ एडिशन कम होगा। ये सिस है, हमें सिस का ज्यादा होता है, सही बात है, ट्रांस का कम होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी के हमने देखा ना, स्टेबिलिटी के उल्टा रिलेशन है, यानी कि ये सही बात है और ये करेक्ट ही पूछा था, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी तुम देखोगे नहीं यार ये क्या दे रखा है, यहाँ पे रेजोनेंस का स्टेबिलिटी कम थोड़ी होगा, रेजोनेंस का स्टेबिलिटी कम थोड़ी होगा, ज्यादा रेजोनेंस में, यानी कि रॉन्ग। फिर क्या करा है, एसिडिक स्टेट नहीं, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ठीक है, तो सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये भी आपका रॉन्ग है। एंड बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ये थ्री है ना, कुछ ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ थ्री वाला का ये टू वाले से कम होगा, बट ये ज्यादा दे रखा है इसलिए ये भी रॉन्ग है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है हाउ मेनी मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेंड, कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। तो कितने कार्बन है, कितने तरह कार्बन है, जितने तरह कार्बन है उतने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये कार्बन बिल्कुल अलग, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, कितने तरह के कार्बन हो गए, पांच तरह के, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, पांच तरह के। कह रहा है स्टीरियो को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, नहीं करेंगे, कितने बनेंगे, पांच। चलो अब यहाँ पे कह रहा है एक डबल बॉन्ड दे रखा है, दो डबल बॉन्ड दे रखा है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है साइन डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन बता दो, ठीक है, इस डबल बॉन्ड का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो ये प्रायोरिटी पहले देखना होगा, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, ई कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होना चाहिए, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट, मतलब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट होने चाहिए, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ होने चाहिए, अपोजिट, अपोजिट साइड में। और जेड कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो क्या होता है, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड होने चाहिए। अब देखो अगर प्रायोरिटी की बात करो तो कार्बन नाइट्रोजन पहला प्रायोरिटी, ये कार्बन के बाद में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, दूसरा प्रायोरिटी। सिमिलरली ये तुम्हारा पहला प्रायोरिटी, ये दूसरा प्रायोरिटी, तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप और हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, अपोजिट है ना, ये वन ये ओपन, यानी कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, ई। चलो अब सेकंड पे आते हैं, ये COH का क्या होगा, प्रायोरिटी वन होगा, एसिड है इसका। देखो ये कार्बन के बाद में एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो कार्बन के बाद दो ऑक्सीजन था, एटॉमिक नंबर कार्बन के बाद जो दो ऑक्सीजन था उसका ज्यादा होगा, इसका प्रायोरिटी दो होगा। यहाँ पे तुम जाओगे देखो, पहला दूसरे कार्बन पे ये चेन बन रहा है, यानी कि इसका प्रायोरिटी वन होगा, और यहाँ पे तीसरे कार्बन में चेन बन रहा है, यानी कि इसका प्रायोरिटी दो। सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में, यानी कि ई, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ई एंड ई, तो 81 है क्या होगा, सी, ई एंड ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखते हैं, चलो ये क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज्ड कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर में है जिसमें आपको एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर फिक्स्ड है, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर इज हाफ, कह रहा है वॉल्यूम जो है वो आधा हो जा रहा है। चलो ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या दे रखा है, N2O4 गैस टू NO2, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फॉर द, कह रहा है ये पहले इक्वेशन क्या कह रहा है, वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग केपी के बारे में, ठीक है, केपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो वॉल्यूम हाफ करोगे तो केपी वगैरह चेंज नहीं होता, वॉल्यूम हाफ करो, दोगुना करो, चार गुना, दस गुना, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और केपी चेंज नहीं होगा, केपी आपका केपी चेंज नहीं होगा, ठीक है।
वॉल्यूम ली चैटेलिया प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है क्या कि वॉल्यूम या प्रेशर ये सब चेंज करोगे तो केपी चेंज नहीं होता है, केपी चेंज नहीं होता है। 32 का क्या होगा देखो, केपी बोथ केपी एंड अल्फा चेंज, ये तो रॉन्ग हो गया बी, ठीक है करा केपी चेंजेस नहीं, केपी चेंज नहीं होता, ये भी रॉन्ग, डज नॉट चेंज तुम्हारा डी में है और तुम्हारा ए में है। तो चलो अब आते हैं, अब वॉल्यूम हाफ हो रहा है यानी कि फिर से वही अभी हमने जस्ट एक पढ़ा था ना ट्रिक वी आई एल एच, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो लो टू हाई जाएगा। यहाँ पे ये दो है, दो मोल है यानी कि इसे हम हाई बोलेंगे, ये एक मोल है इसे लो बोलेंगे, और कह रहा है वॉल्यूम आधा करेगा यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो लो टू हाई जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो हाई टू लो मूवमेंट होगा, तो ये हाई हो गया ये लो हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो मूवमेंट बैकवर्ड होगा, मूवमेंट बैकवर्ड होगा यानी कि डिसोसिएशन कम होगा, डिसोसिएशन कम होगा इट मीन्स अल्फा कम जनरेट होगा, अल्फा कम होगा क्योंकि डिसोसिएशन कम हो गया ना, रिएक्शन बैकवर्ड हो गया, प्रोडक्ट कम बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा यानी कि ये टूटेगा कम, और जो टूटता है उसी को तो हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा क्या होगा कम, ठीक है अल्फा कम, तो केबी चेंज नहीं होगा बट अल्फा चेंज होगा, ठीक है अल्फा क्या होता है डिक्रीज करता है। 32 का क्या होगा डी, 82 का क्या होगा डी होगा, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 83 ये तो इजी क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखा है P4 5O2 और फिर दे रहा है P4O10, तो केसी केसी जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, केसी लिखते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है सॉलिड, सॉलिड को तो लेते नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये भी सॉलिड नहीं लेंगे लेकिन ये गैस है तो चलो O2 ले लिया जाएगा, बट इसका आगे क्या मोल कितने मोल है 5 मोल, तो इसके पावर में क्या होगा 5 होगा, तो केसी का आंसर क्या होगा केसी 1/O2 का पावर 5, तो 83 का क्या हो गया डी होगा, ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फॉस्फोरस क्या कह रहा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट, कह रहा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है PCl5 जो है ये डिसोसिएट कर रहा है एज फॉलो इन ए क्लोज रिएक्शन वेसल, ये क्लोज वेसल में ये डिसोसिएट कर रहा है, इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज पी, कह रहा है ये टोटल प्रेशर जो है पीटी जो है वो पी है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज एक्स, कह रहा है अल्फा का जो वैल्यू है उसे एक्स बोल रहा है, कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, कह रहा है PCl3 का पार्शियल प्रेशर बताओ और यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या लगाना होगा इक्वेशन पार्शियल प्रेशर का, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपने आप क्लास 12th में इक्वेशन पढ़ोगे पार्शियल प्रेशर किसी का निकालना रहता है ना, तो हम क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन उसी का मोल फ्रैक्शन लेते हैं और उसका टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है एक गैसियस रिएक्शन है ना ये देख रहे हो गैस गैस है, ठीक है तो गैसियस रिएक्शन में क्या होता है किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन लेंगे और उसके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका पूछ रहा है PCl3 का, यानी कि पार्शियल प्रेशर किसका लोगे PCl3 का और ये इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, चलो ओके तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा फिर टोटल प्रेशर, तो चलो ये क्वेश्चन में दे रखा था इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में पी दे रखा है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, इक्वेशन जो दे रखा है ना उसको लिखते हैं, क्या इक्वेशन दे रखा है PCl5 अब यहाँ पे क्या होगा Cl2 गैस, ठीक है अब देखो टाइम अगर मान लो 0 हो तो केवल रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मान लेते हैं ए मोल है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट 0 0, लेकिन टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा रिएक्टेंट कम होगा, रिएक्टेंट कम कितना होगा ए माइनस एक्स और ये क्या बनेगा एक्स, ये क्या बनेगा
ठीक है, देखो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। चलो, और मान लो ये तुम्हारा कम हो रहा है, ए माइनस एक्स हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी एक्स एक्स बन गया। एक्स क्या है, वही तुम्हारा क्या है, एक्स क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था ए माइनस ए अल्फा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा का नाम क्या है, एक्स है। चलो, अब अगर तुम टोटल मोल की बात करोगे, टोटल मोल इक्विलोरियम पे कितना हुआ, टोटल मोल इक्विलोरियम पे टोटल मोल कितना हो रहा है, तो कितना हुआ, ए माइनस ए एक्स प्लस ये ए एक्स प्लस में एक्स 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 ये कट गया, क्या बचा, ए प्लस एक्स, इसको ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वन प्लस एक्स। ठीक है, तो ये इक्विलोरियम पे मोल हो गया कितना, ए इंटू वन प्लस एक्स। ठीक है, चलो भाई, अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। किसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, पीसीएल थ्री का ही चाहिए था ना, पीसीएल थ्री का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए। क्या होगा मोल फ्रैक्शन अगर पीसीएल थ्री का निकालोगे, तो पीसीएल थ्री यही है ना, ये कितना मोल है, एक्स है, यानी कि ऊपर कितना लिखाओगे, एक्स डिवाइडेड टोटल कितना है, ए इंटू वन प्लस एक्स। अब देखो ए से ए तो कट जाएगा, क्या बचेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पीसीएल थ्री, एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। चलो मोल फ्रैक्शन आ गया, अब तो आंसर ही आ गया। कैसे, देखो पार्शियल प्रेशर पूछ जाता है क्वेश्चन में, कह रहा था ना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल थ्री, कह रहा था ना पीसीएल थ्री कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर का भी हमने फॉर्मूला देखा ही था, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो गया, क्या आया हमारा, एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, और पीटी की जगह पे क्या लिखेंगे, पी, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पी डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। वन प्लस एक्स क्या है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू पी। तो 84 का क्या हो गया बच्चों, 84 का हो गया आपका सी हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 85। 85 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग थ्री रिएक्शन, तीन रिएक्शन दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है। चलो, फॉर द फॉलोइंग थ्री रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, इनके बीच में ये रिलेशन पूछ रहा है कि क्या रिलेशन है, मतलब ये के वन के टू के थ्री के बीच में क्या रिलेशन है। देखो जो ध्यान से तुम देखोगे तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन थ्री है, ये इक्वेशन वन और टू को तुम सम करोगे तो आ जाएगा। देखो सी एच फोर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सीओ था बट प्रोडक्ट में नहीं है। देखो अब दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये सीओ कट जाएगा, और देखो नहीं है, ये तुम्हारा एक मोल और एक मोल, तो वाटर कितना हो गया, दो मोल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, सीओ टू, देखो यहाँ पे सीओ टू लिखा हुआ है, यहाँ पे एच टू कितना है, तीन मोल और एक मोल, कितना हो गया, चार मोल। यानी कि दोनों इक्वेशन थ्री कैसे आ रहा है, इक्वेशन थ्री आ रहा है वन प्लस टू से, इक्वेशन वन और टू को ऐड करोगे तो थ्री आ जाएगा। इट मीन्स के थ्री जो होगा, चूंकि दो इक्वेशन को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो के थ्री दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, किसको किसको, के वन, इक्वेशन वन और टू को ऐड कर रहे हो, इट मीन्स के थ्री इजिकल टू क्या होगा, के वन इंटू के टू, के थ्री इजिकल टू क्या होगा, के वन इंटू के टू। 35 क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कह रहा है, 86 कह रहा है द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन, यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा जी नॉट कितना दे रखा है, 2494.2 जूल। एट ए गिवेन टाइम द कंजम्पशन ऑफ द रिएक्शन ए, मतलब ए का कंसेंट्रेशन दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2ab+c, ये इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें तुम्हारा ए का वैल्यू भी कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी और सी का दे रखा है, और डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा है, और पूछ रहा है ये रिएक्शन क्या होगा, ऑप्शन के थ्रू में देखो रिवर्स होगा, मतलब ये पूछ रहे कि फॉरवर्ड एक्शन होगा कि बैकवर्ड एक्शन होगा। तो ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम।
अब वैल्यू पुट करते हैं सबका, चलो देखते हैं। तो डेल्टा जी नॉट का तो वैल्यू दे नहीं रखा था, कितना दे रखा था, कितना दे रखा हुआ है, 2494.2 इज इक्वल टू क्या होगा, एक काम करते हैं ना, इसको तुम्हारा माइनस आर टी को उस साइड ले जाते हैं, तो ये एल एन के इक्विलिब्रियम हो गया और आर टी तुम्हारा ये माइनस रहेगा और आर टी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यही एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2494.2 डिवाइड बाय आर टी। तो यहां से हम लिखेंगे क्या हो, लिखेंगे एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2494.2 डिवाइडेड बाई, टेम्परेचर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 300 केल्विन, तो क्या लिखेंगे 300 इंटू आर का वैल्यू क्या होगा 8.314। अब 8 3 24, ये ऊपर भी 24 है, जब ये कटाएंगे इन सबको कट जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा -1। तो एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आया, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हुआ -1, के इक्विलिब्रियम इस हिसाब से क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम हो जाएगा ई की पावर -1। ई की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/e, और ई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था कितना, 2.78, यानी कि ई का वैल्यू क्या आया, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या आया, 1/e का वैल्यू कितना था, 2.718, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.368, यानी के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आया 0.368। चलो के इक्विलिब्रियम तो हमें पता चल गया। अब आते हैं यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ए और बी और सी का जो कंसेंट्रेशन दे रखा है ना, उसका यूज करते हैं और क्यू निकालते हैं। इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन था 2ab+c, यही इक्वेशन था ना, 2ab+c। चलो अब यहां पे अगर क्यू निकाला जाएगा तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में 2, बी सी ए। चलो बी का कितना दिया हुआ है कंसेंट्रेशन, बी का दे रहा है 2, सी का हाफ, ए का हाफ। चलो सबका वैल्यू पुट करते हैं, बी का कितना है 2, सी का हाफ, ए का हाफ, यानी कि स्क्वायर करना है तो 2 बार हाफ, ये हाफ से आप गया, और ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, यानी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 4। क्योंकि क्यू 4 है, के इक्विलिब्रियम 0.368 है, इट मींस क्यू बड़ा हो गया के इक्विलिब्रियम से। क्यू बड़ा होने का मतलब होता है प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट आपका ज्यादा, क्यों, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, और अगर कोफिशियंट लिखा हुआ है तो वो पावर में चला जाता है, पावर में कोई कोफिशियंट है तो वो आपका पावर में चला जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, तुम्हारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया, तो क्यू जो है, क्यू बढ़ने का मतलब होता है प्रोडक्ट बढ़ गया, अगर प्रोडक्ट बढ़ गया कोई भी रिएक्शन जो होता है ना, वो इक्विलिब्रियम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम गेन करना चाहेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए क्या करना होगा, वो रिएक्शन अपना बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बन गया ना, इक्विलिब्रियम में आना है, यानी कि रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, इट मींस ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन चलेगा, उल्टा चलेगा, ठीक है, कहाँ चलेगा, उल्टा। तो आंसर क्या होगा इसका, 86 का क्या होगा, डी, रिवर्स रिएक्शन, और क्यू क्या है, बड़ा है केसी से, अभी हमने देखा ना क्यू का वैल्यू क्या आ रहा था, क्यू का वैल्यू 4 आ रहा था और इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 1/e आया था, केसी का वैल्यू क्या था, 1/e था, यस 1/e था, जिसका वैल्यू 0.368 था। चलो ये क्वेश्चन नंबर 86 हमारा कंप्लीट हुआ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्या कर रहा है, इन विच रिएक्शन विल एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, देखो फिर से वॉल्यूम इंक्रीज की बात कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि वही ट्रिक लगेगा हमारा, कौन सा ट्रिक लगेगा, VILH वाला, वहां ट्रिक लगेगा VILH, कर रहा है इन विच रिएक्शन विल एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कर रहा है प्रोडक्ट का किसमें फॉर्मेशन होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, देखो वॉल्यूम इंक्रीज का ट्रिक हमने क्या पढ़ा था, लीचेटेल प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है, VILH,
यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो लोअर टू हायर जाना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट कैसे कैसा होना चाहिए, लोअर टू हायर। देखो ये सॉलिड है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये गैस है और ये गैस है, तो रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट एक मोल है, प्रोडक्ट कितना है एक एक दो मोल है। और लोअर टू हायर यहाँ पे हो गया क्या, देखो तो हाँ, तो ये लोअर टू तो हायर हो ही गया, ये लोअर है एक और ये दो, यानी कि आंसर तो यही हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। चलो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, मतलब लोअर टू रिएक्टेंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, प्रोडक्ट हायर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने मोल है, चार, ये कितने हैं पांच, प्रोडक्ट कितने हो गए नाइन, प्रोडक्ट में कितने हैं सिक्स फोर, नहीं ये लिक्विड है ना, इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ये लिक्विड है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, केवल गैस को कंसिडर करते हैं ना, केवल गैस को कंसिडर करते, प्रोडक्ट कितना हो गया फोर, रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, तो ये नहीं लोअर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो। यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा हायर है और ये दो है, ये लोअर है, लेकिन हायर टू लोअर थोड़ी जाता है, वी आई एल एच, लोअर टू हायर मूवमेंट होता है, लो टू हाई मूवमेंट होता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पे लो टू हाई था ना, एक से दो हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हुआ 87 का हो गया ऑप्शन ए। अब 88 पे आते हैं, 88 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राफ फॉर क्लेसियस क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, एम जो है स्लोप है, डेल्टा एस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आर है। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या होता है आपका, ये क्वेश्चन क्या होगा, एलन पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आरटी प्लस एलन ए, ये आपका क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मान लो इसको हम मान लें क्या y एक्सिस, तो ये प्लस एल एन ए क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, क्या आपका इंटरसेप्ट हो गया, और यहाँ पे वन अपॉन टी क्या है, x एक्सिस है, अगर वन अपॉन टी जो है x एक्सिस है तो स्लोप क्या हो जाएगा, m जो बच गया वो स्लोप है, m क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा h एम है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इसका चूंकि स्लोप कैसा है निगेटिव है, तो और इंटरसेप्ट भी है, तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा जिसमें वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे एल एन ए, एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे वन अपॉन टी लिखोगे, फिर स्लोप आ जाएगा, स्लोप कितना आ जाएगा माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर, और इंटरसेप्ट क्या होगा एल एन ए का होगा। तो यहाँ पे देखो एल एन पी सब पे एल एन पी है, चलो भाई लेकिन ग्राफ डिक्रीज होना चाहिए, ये ग्राफ तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ए और बी हो सकता है, यहाँ पे वन अपॉन टी दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है, इसलिए ए भी नहीं होगा, वन अपॉन टी वाला होगा, ठीक है। और स्लोप देखो, स्लोप यही था ना, हमारा भी स्लोप यही था ना, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर, ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो यही था ना एल एन पी, यही क्वेश्चन था ना, देखो तो मैथ कर गया, एल एन पी ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाकी जो बच गया उस एक्स एक्सिस के आगे वो स्लोप हो गया, और ये इंटरसेप्ट हो गया, एल एन ए क्या हो गया इंटरसेप्ट हो गया। चलो देखिए जी से क्वेश्चन ये भी है, क्या होगा बी होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे, 89 क्या कह रहा है, विच कंपाउंड गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनॉल अपॉन एजोनोलेसिस। चलो 5 कीटो 2 मिथाइल बनाते हैं, हेक्सेनॉल है ना, यानी कि 6 कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए, चलो एक कार्बन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर ये तुम्हारा पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, क्या कर रहा है, फाइव पे कीटो, चलो फाइव पे कीटो दे दिए, फिर क्या है
टूपे मिथाइल दे रही है। फिर क्या कह रहा है, हेक्सेनल यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है यही है। अब ओजोनोलाइसिस कराना है, ठीक है ओजोनोलाइसिस कराना है। अगर मान लो कह रहा है कि इन सब में से किसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। हमें पता है ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूटता है और वहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिससे पहले कहीं ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर ओजोनोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो हैगा टूटता है और ऑक्सीजन आता है, डबल बॉन्ड है वो टूटता है ऑक्सीजन आता है। अगर और हमें बैक जाना है, हमें बैक जाना है तो क्या करेंगे, ये दोनों ओ को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड ला देंगे, ये दोनों ओ को हटा के वहां पे डबल बॉन्ड ला देंगे। यानी कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या होगा, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और 2 पे क्या होना चाहिए, 2 पे मिथाइल होना चाहिए एंड 1 5 पे डबल बॉन्ड है, और ये रिंग बन रहा है कितने, 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, ऐसा कुछ बनेगा। 5 मेंबर का एक रिंग बना दो, 1 2 3 4, ठीक है ये 1 2 3 4 5, देखो 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप यानी कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप कर दो, एंड क्या कर रहा है 5 पे भी एक तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, तो 5 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यही आंसर होगा, ठीक है। 2 पे एक मिथाइल ग्रुप कर दो, 5 पे एक मिथाइल ग्रुप कर दो, चलो आंसर आ गया। तो 89 का क्या हो जाएगा, 1 पे एंड 5 पे, देखो ये डी हो रहा है ना, देखो 1 पे कुछ ऐसा, ये नंबरिंग चलो ये हो गया, तो ऐसे ही हो रहा है ना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे एक एक सिंगल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड पे एक मिथाइल ग्रुप देख रहे हो, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं ना, डबल बॉन्ड पे एक मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड के से एक छोड़ के एक गैप करके मिथाइल ग्रुप, देखो डबल बॉन्ड से एक गैप करके मिथाइल ग्रुप, यानी कि यही होगा तुम्हारा, ठीक है। 89 का क्या होगा, होगा। और देखो इसका नंबर, इसको तुम जब ब्रेक करोगे ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ऐसे ही बनेगा ना, यही प्रोडक्ट बनेगा। इसका नंबरिंग किया जाएगा तो देखो कैसे नंबरिंग करेंगे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 5, देखो नाम क्या होगा, 2 पे मिथाइल, 5 पे कीटो और 6 है तो हेक्सेनॉल, तो 5 कीटो 2 पे मिथाइल हेक्सेनॉल, तो 89 क्या होगा, डी हो गया, ठीक है 89 क्या होगा, डी होगा। चलो अब 90 क्या रहा है, 90 क्या कर रहा है, 2 हेक्साइन गिव्स ट्रांस, ट्रांस हेक्सीन यानी कि ट्रांस एल्कीन किस में बनेगा। देखो P2H2 के साथ अगर हेक्साइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, अगर P2H2 के साथ करोगे तो ये एल्कीन नहीं बनाएगा, ये एल्केन बनाते हैं, ये एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। अगर आप PDBSO4 के साथ करोगे तो ये सिस एल्कीन बनाता है, सोडियम लिक्विड एमोनिया ये ट्रांस एल्कीन बनाता है, ये आपका ट्रांस एल्कीन बनाएगा, लेकिन LiLo छोड़ तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, और ये ट्रांस की बात कर रहा है, कौन ट्रांस एल्कीन बनाएगा, कौन सा बनाएगा, सी। 90 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अब 91 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा कंपाउंड कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपेयर्ड नहीं होगा। देखो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रिपेयर्ड होता है वो कैसा एल्कीन बनता है, इवन नंबर जिसमें कंपाउंड, इवन नंबर ऑफ कार्बन जिसमें हो, कार्बन की संख्या जिसमें इवन नंबर का, देखो ब्यूटेन तुम्हारा इवन नंबर है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस से बन जाएगा, लेकिन ये कांड कह रहा है, हेक्सेन इवन नंबर है 6, ठीक है ब्यूटेन मतलब 4, हेक्सेन मतलब 6, पेंटेन मतलब 5, नहीं 5 नहीं बनेगा, और ये नॉट क्या, नॉट भी पूछा था, तो 91 का सी होगा। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इवन नंबर, देखो ऐसा कुछ होता है ना, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, देखो CH3 CONA लेते हैं
इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनता है, इधर दो मोल लेते हैं, ठीक है, दो ठीक है, दो ठीक है। देखो ये सी एच थ्री सी ओ एन ए जो होता है ये क्या होता है, सी एच थ्री डॉट बनाता है, यहाँ पे भी तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और ये दोनों डॉट आपस में जुड़ के एक इवन नंबर, ठीक है, कार्बन वाला एल्केन बनाता है। तो 91 का क्या हो जाएगा, 91 का ऑड नंबर का पेंटेन है, देखो साइक्लो वाला बन जाएगा, ठीक है, साइक्लो रहेगा तो वो बन जाएगा, ठीक है, मतलब साइक्लो मतलब क्या होगा, सी एच थ्री सी ओ एन ए एक ही चेन में दो हो जाए, तो हाँ वो इजिली बन जाएगा। अब आते हैं 92, 92 क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.42 ग्राम N3 माइनस आयन इज, कर रहा है 0.42 ग्राम N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो मोल निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, ठीक है, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो N3 माइनस है, N3 माइनस में एक N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होगी, 7 3 21, क्योंकि माइनस भी है यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, मोल निकालोगे तो क्या होगा, गिवन मास कितना है 0.42 ग्राम, मोलर मास कितना होगा 42 ग्राम, N3 का मोलर मास कितना होगा 43 का 42 ग्राम, नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है ना 14, 3 नाइट्रोजन का 42, मोल कितना हुआ, मोल हो गया आपका 0.01, तो मोल हो गया आपका 0.01, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल निकालना होगा तो क्या होगा, इसको NS से मल्टीप्लाई करोगे और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो 22 से वही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर आप इसको आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो मोल 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 में मल्टीप्लाई होगा एवोगाड्रो नंबर और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना 22 N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन थे 22, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 92 क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 92 का आपका, देखो ये एन ए तो एन ही रहेगा 0.01 यानी कि उधर आ जाएगा आपका, तो कितना बच गया यार 0.22 NA, ठीक है, क्या बचा 0.22 NA बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा कहाँ पे है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 93 पे, 93 क्या कह रहा है, 93 कह रहा है एक क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ मेटालिक कार्बोनेट XCO3 इज कंप्लीटली कन्वर्ट, कह रहा है XCO3 जो है वो कंप्लीटली कन्वर्टेड हो गया इनटू XCl2, और मास क्या है इसका, तो मास तुम्हारा 1 ग्राम था मेटालिक कार्बोनेट का, और जो प्रोडक्ट बना उसका मास हो गया 1.11 ग्राम, तो इसका एटॉमिक मास पूछ रहा है, एक्स का एटॉमिक मास पूछ रहा है, ठीक है, देखो रिएक्शन क्या दे रखा है, XCO3 कन्वर्ट हो गया किसमें, XCl2, ठीक है, XCO3 कन्वर्ट हो गया XCl2 में, ओके चलो अब देखो यहां पे दोनों का कोफिशिएंट सेम है, देखो XCO3 किसमें कन्वर्ट हो गया XCl2 में, अब यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों का एक एक है, तो यानी कि ये एक मोल रहेगा तो प्रोडक्ट भी एक मोल बनेगा, दोनों एक मोल रहेगा, अब यहाँ पे देखो इट मीन्स जितना मोल XCO3 का होगा उतना ही मोल XCl2 का, क्यों क्यों होगा ऐसा, क्यों क्वेश्चन में कह रहा है 1 ग्राम ऑफ मेटालिक कार्बोनेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू
क्लोराइड, ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गया, दोनों का मोल सेम होगा, दोनों का मोल सेम होगा। अब इसका मोल निकालोगे, दोनों का मोल अगर हम लिखे यहाँ पे क्या, जितना मोल XCO3 होगा उतना ही मोल XCl2 होगा, ठीक है। अगर मोल निकालोगे XCO3 का, तो देखो गिवन मास कितना, क्वेश्चन में कितना मास दे रखा है 1 ग्राम, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मतलब मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 1 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास क्या होगा, एक्स का तो मोलर मास हमें पता नहीं है, चलो एम लिख देते हैं, लेकिन CO3 का तो मोलर मास पता है ना, CO3 का कितना होता है, एक कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो 12 एंड 48 कितना हुआ 60, 10 प्लस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू मोल ऑफ XCl2, यानी गिवन मास कितना दे रखा है 1.1 ग्राम, बोल क्या लिखेंगे 1.11 डिवाइडेड बाई मोलर मास, अब एक्स का मोलर मास नहीं पता है एम लिखेंगे, प्लस Cl2 का कितना होगा 71, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही होगा m प्लस 71 इज इक्वल टू 1.11 m प्लस 60। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1.11 m प्लस 66.6, और ये क्या था m प्लस 71, एंड लेफ्ट राइट करेंगे, लेफ्ट को राइट ले जाओ, राइट को लेफ्ट ले करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.11 m, ये उधर क्या माइनस हो गया, इज इक्वल टू इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4.4, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से कटेगा क्या बचेगा 40, तो मोलर मास कितना हो गया 40, तो 40 होगा आंसर, क्या होगा 93 का आंसर 92 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल एंड दैट ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, कह रहा है न्यूट्रॉन का मास डबल किया गया, प्रोटॉन का मास हाफ किया गया, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कंटेनिंग H1 एंड O6 एटम विल, कह रहा है मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका क्या है H2O है, ठीक है, एलिमेंट क्या है यहाँ पे काम करते हैं, आप लिखते हैं कौन कौन से एलिमेंट थे, दो हाइड्रोजन थे एंड ऑक्सीजन थे, ठीक है। और इनिशियल की बात करें पहले क्या था एंड देन फाइनल बात करेंगे, चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, अगर ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में ही चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन मास वैसे भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ही कंट्रीब्यूट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, दो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 0, क्योंकि मोलर मास कितना होता है 1 होता है, एक प्रोटॉन ही होता है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन में तुम्हारा न्यूट्रॉन कितना होता है 8, प्रोटॉन कितना होता है 8, मोलर मास 16। क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन का मास डबल किया गया, प्रोटॉन का मास हाफ किया गया, चलो न्यूट्रॉन का मास कितना किया गया डबल, यहाँ पे न्यूट्रॉन तो है ही नहीं तो 0, डबल करोगे तो क्या होगा 0, लेकिन प्रोटॉन हाफ किया गया यानी कि 2 × 1/2, न्यूट्रॉन का मास कितना किया गया डबल 8 × 2 जा, और प्रोटॉन का मास हाफ किया गया, पहले मास कितना था 8 × 8 = 16 = 2 = 18, बाद में मास कितना हो गया देखो 1 × 8 = 16 = 4, तो कितना हो गया 8 × 2 = 16 एंड 4 = 20 एंड 1 = 21, कितना हो गया 21, पहले मास कितना था 18, बाद में हो गया 21, चेंज कितना का हो रहा है 3 का, चेंज कितना का होगा परसेंटेज, अगर मास इंक्रीज निकालोगे कितना परसेंटेज मास इंक्रीज किया गया, चेंज कितना हुआ 3 का, कितने में पहले कितना था 18 इंटू परसेंटेज करना है ना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16.67%, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था।
तो 94 का क्या हो गया 16.6 इंक्रीज, 94 में क्या हो रहा है 16.67 से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो 94 का क्या हो जाएगा इंक्रीज बाय, ठीक है। चलो अब आते हैं 95 पे, कह रहा है अब द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ वाटर एट 277 केल्विन इज 18 एमएम, कह रहा है वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम कितना है, एक मोल का वॉल्यूम कितना दे रखा है 18 एमएल, वन मोल ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप, कह रहा है एक मोल में कितने ड्रॉप है 20 ड्रॉप है, वन मोल में वाटर में कितने ड्रॉप है 1 ml में, कह रहा है 1 ml में कितने ड्रॉप है 20 ड्रॉप्स, जब 1 ml में 20 ड्रॉप्स है तो एक मोल में कितने ड्रॉप होंगे, यहां से देखो 1 मोल में 18 ml था, एक मोल में पानी कितने हैं 18 ml है, और 1 ml में अगर 20 ड्रॉप है तो 1 मोल में 1 ml दैट इज 1 मोल में कितने हैं 18 ml में कितने ड्रॉप्स होंगे, 1 ml में कितने 20 ड्रॉप है तो 18 ml में कितने होंगे 18 × 20 यानी कि 360 ड्रॉप्स हो जाएंगे, एक मोल में कितना है भाई, एक मोल में 18 ml है और 1 ml में 20 ड्रॉप है यानी कि 18 ml में 360 ड्रॉप होंगे, ठीक है। कह रहा है 1 ml ऑफ वाटर कंटेंट 20 ड्रॉप द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वन इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू दे रखा है, तो कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल होंगे, देखो हमें पता है एक मोल में एने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में एने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बट एक मोल में कितने ड्रॉप्स हैं 360 ड्रॉप्स, इट मीन्स 360 ड्रॉप्स में एन ए मॉलिक्यूल्स है, इट मीन्स एक ड्रॉप में अगर पूछा जाएगा एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल है तो एन ए डिवाइडेड बाई 360 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई 360, एन ए का वैल्यू क्या दे रखा है 6 × 10³ डिवाइडेड बाई 360 से 360 कटेगा 60 बार में, ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1.67 चलो हो गया। अब आते हैं क्या कह रहा है, एक गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 70% N2, कह रहा है एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें N2 70% है एंड 30% अननोन गैस, कह रहा है एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें 70% N2 एंड 30% अननोन गैस है बाय वॉल्यूम, इफ द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज इतना, कह रहा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर इज इतना देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैसेस, कह रहा है मॉलिक्यूलर मास बता अननोन गैस की, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है अननोन गैस की, चलो इधर आप क्या कर रहा है एवरेज मॉलिकुलर मास दे रखा है, देखो तो जब भी एवरेज मॉलिकुलर मास दे रखेगा तो हम उसका एवरेज मॉलिकुलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है एवरेज मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ xi इंटू mi डिवाइडेड बाई 100, अब ये xi क्या है, ये xi क्या है, ये है परसेंटेज ऑफ गैस इन वॉल्यूम, ये क्या है परसेंटेज ऑफ गैस इन वॉल्यूम, और mi क्या है मोलर मास, ठीक है मॉलिक्यूलर मास क्या है, चलो तो देखो एवरेज यहाँ पे कितने दो गैस है ना, दो गैस है और इसका मोलर एवरेज मोलर मास कितना दे रखा है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 37.6, समेशन करोगे यानी कि x1 m1 प्लस दो ही है ना, दो ही टाइप के गैस है ना, एक N2 है और एक अननोन है x2 m2 डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करो
37.6 इज इक्वल टू एक्स वन कितना है, कितना है 70% है ना, परसेंटेज ऑफ गैस इन वॉल्यूम कितना देगा, एन टू कितना है 70%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 70 इंटू मोलर मास, एन टू का मोलर मास कितना होता है 28 प्लस एक्स टू, एक्स टू कितना है क्योंकि ये 70% था तो वो कितना होगा 30% इंटू एम टू। अब यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, एम टू इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 60, तो आंसर क्या होगा ये हो जाएगा, 96 का क्या होगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है, तो देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कोई होता है ना एस एंड पी वाला, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वाला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होता, तो डी ब्लॉक कौन सा है, क्रोमियम वाला, तो क्रोमियम कभी भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं हुआ, ये कौन सा ब्लॉक का है, ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक का था, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होते हैं, तो क्रोमियम आपका नहीं होगा आंसर, ठीक है। बाकी तो ये देखो ये सब क्या है, ये तुम्हारा पी ब्लॉक वाला हो गया ना, ये आपका एस ब्लॉक वाला हो गया। करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स पूछ रहा है ना, यस, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, हाँ भाई एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही प्रॉपर्टी जो मतलब पीरियोडिक टेबल है जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये तो ट्रू है। फिर कह रहा है नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ, करेक्ट नंबर ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट जो है, ठीक है, वो लेस है देन नंबर ऑफ मेटालिक एलिमेंट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड, कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, हाँ कंटिन्यूअसली तो चेंज नहीं होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, थिंक एक कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं ना, हाँ कंटिन्यूस ये तो ट्रू है, लेकिन ये नॉट कह रहा था ना, फॉल्स कह रहा था। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, हाँ ऊपर से नीचे जाते हैं रेडियस बढ़ता है एंड आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, ऊपर से नीचे जाते हो तो रेडियस बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, ये क्या कह रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है, नहीं भाई आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटॉमिक साइज नहीं होता है, अगर साइज बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, उल्टा रिलेशन होता है, साइज बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फॉल्स करा था ना तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो और ये तुम्हारा भी क्या कहता है, नंबर ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज लेस, हाँ लेस ही होता है ना, क्योंकि देखो तुम्हारा डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है वो सब तो मेटल ही है ना, तो मेटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, पूरा डी ब्लॉक क्या है मेटल है, डी ब्लॉक में क्या होता है तो तुम्हारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और क्या हो गया, कॉपर जिंक मरकरी, ठीक है, निकल कोबाल्ट, सब क्या है, सब के सब मेटल है, तो नंबर ऑफ मेटल क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल कम होता है, तो वही कह रहा था ना बी क्या था, नंबर ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ मेटालिक एलिमेंट, तो 98 का क्या होगा डी होगा। चलो अब ये क्या है, कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिंबल यूएनएस, यूएनएस यानी कि अनिल सेप्टियम, यूएनएस क्या है अनिल सेप्टियम, ठीक है, तो अनिल सेप्टियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 107, जिसको हम बोरियम भी बोलते हैं, बोरियम, तो बोरियम क्या हो गया अनिल सेप्टियम, क्या हो गया यूएनएस, क्या हो गया सी हो गया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा अनिल सेप्टियम, अनिल सेप्टियम, ठीक है। चलो एंड अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका एफएससी टेस्ट हुआ था इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, चलो यहाँ पे n का वैल्यू दे रखा है, फिर l दे रखा है, ठीक है, तो चलो n दे रखा है l दे रखा है, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल, ठीक है, एल का वैल्यू अगर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। देखो तो जब 0 होता है तो इसका नाम होता है एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एस, एसपीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे ये देखो 3 है तो 3 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। चलो एन तो सही दिया रहता है, अब एल देखते रहे, एल अगर 2 होगा तो डी, एल 2 पे डू, सही बात है, 1 पे पी, 1 पे पी, सही बात है, करा 3 पे डी, 3 पे एफ होता है, नहीं भाई 3 पे एफ होता है तो ये रॉन्ग है, फिर करा 0 पे एस, हाँ 0 पे एस होता है, चलो ये सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया, थर्ड वाला, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या होगा सी, ठीक है। चलो ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। मेरा